वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं सभी लोग। आज हम लोग फिर से एक और बार मेटल हॉरर एस्केप गेम खेलने वाले हैं। शायद इसका आखिरी एपिसोड होने वाला है, और ये बात तो सबको पता है, कोई सा भी गेम हो आखिरी लेवल में जाके बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है एस्केप करना। तो ये गेम भी बहुत ज्यादा डेंजरस तो पहले से ही है, और आखिरी लेवल में बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और मुझे ये अकेला एस्केप नहीं करना है, मेरे साथ एक लेडी को भी उसने किडनैप करके रखा है, मुझे उसे भी छुड़ा के भागना होगा, मतलब दोनों को एक साथ भागना होगा। तो ये इतना आसान नहीं होने वाला है। तो अभी फटाफट से चलते हैं गेम के अंदर और ऐसे एस्केप करके निकल जाते हैं। ऑल राइट गाइस, अभी हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है और सामने देखो एस्केप करने का जगह है, लेकिन मुझे इस बार एस्केप नहीं करना है। जैसे पिछली बार जब मैं भाग रहा था तब यहाँ से एक लेडी की साउंड आ रहा था और ये बहुत जोरों से रो रहा था, लेकिन ये अभी भी रो रहा है। देखो ये तो इसने भाई मेरी केज के अंदर बंद करके रखा है। जब पिछली बार मैं आया था ना इधर, तो ये किडनैपर मेरे को इधर ही बंद करके रखा था। वैसे अभी मेरे को जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से इसको लेके निकलना होगा, वरना ये है किडनैपर इसे मार देगा। तो अभी सबसे पहले देखता हूँ ये बार मेरे को कोई सामान मिलता है कुछ क्या। ये पर इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सामने तो लॉकर रखा हुआ है, इसमें भी चेक कर देता हूँ, लॉक्ड है ये वाला, अनलॉक है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और इसके अंदर तो पिछली बार मैं फ्यूज लगा के गया था, लेकिन इस बार इसको खोला तो शोर बच गया। अभी मुझे ये पर छुपना होगा। वैसे इस बार ने मैंने एक चीज नोटिस किया, जब मैं शोर किया तब मेरे को बस 11 सेकंड का टाइम मिल रहा है छुपने के लिए, और पिछले जब मैं एपिसोड खेल रहा था उधर तो 25 सेकंड 20 सेकंड ऐसे मिल रहा था, लेकिन ये आखिरी एपिसोड है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इससे पूछ रहा है भाई शोर कैसे मच गया। ओह शिट भाई, मैंने गलती कर दिया यार, इसके पीछे मेरे को नहीं जाना था, थोड़ा रुकना था भाई। कोई बात नहीं गाइस, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। फिर से हम उसी जगह पर आ चुके हैं। लॉक पिक से इसे खोलो जल्दी, फटाफट से नीचे जंप करो। ये लड़की फिर से रोने लगा, टेंशन मत ले भाई, मैं आ रहा हूँ ना, देखो बचा लूँगा। जैसे कि मैं जल्दी से शोर कर देता हूँ, अब इसको आने दो भाई। इस बार ही कोई भी गलती नहीं करूँगा, एकदम चुपचाप बैठ के जाएंगे आराम से। इसके पीछे पीछे उस मेरे को सामने वाले रूम के अंदर जाना होगा, क्योंकि मेरे को अच्छी तरीके से पता है इस रूम के अंदर कोई भी सामान मेरे को नहीं मिलने वाला है। जो भी मिलते हैं अंदर के साइड के रूम के अंदर मिलता है। आ गया, फिर से आ गया। इस बार मैं हिलूँगा नहीं अपनी जगह से, इसको पहले उस रूम के अंदर जाने दो। ये किडनैपर उस लड़की से पूछ रहा है भाई शोर कैसे हो गया। अभी उससे क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ भाई, डरता हूँ क्या तेरे से। अभी उधर देख रहा है, फटाफट से जाके इस टेबल के नीचे में छुप जाता हूँ। अभी शायद से ये किडनैपर मुझे नहीं देख पाएगा, अभी इसे बाहर जाने दो। पहले जा रहा है, अपना काम तो हो चुका है समझो। अभी मैं घर के अंदर एंटर हो चुका हूँ और मुझे इस रूम के अंदर से कोई ना कोई तो सामान मिलने वाला है। फ्रिज के अंदर ऐसा नहीं मिलने वाला है, फ्रिज के अंदर कोई ना कोई तो सामान होता है। इसके साइड पर देखता हूँ, कुछ भी नहीं है। इधर भी कुछ नहीं है, इधर एक लॉकर है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है, पूरा खाली है। ये शायद से अनलॉक होने वाला ये रूम। ये पर नीचे ना बहुत ज़्यादा कबाड़ है, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है इधर कुछ तो मेरे को मिलने वाला है। ये तो शायद से वही वाला रूम है जो एलिवेटर है, हाँ ये तो वही रूम है। इस जगह पर मुझे अच्छे से देखना होगा, कोई ना कोई तो सामान मेरे को मिल जाएगा इसके अंदर। ओह देखो भाई, इधर देखो भाई, टेप से चाबी को चिपका के रखा है, जैसे किसी ने देखा ही नहीं। अभी देखता हूँ ये कौन से डोर का चाबी है, पहले तो इसमें ट्राई करते हैं। एक बड़े में खुल गया, इसी का चाबी था। और इसका हालात देखो भाई, क्या हालात बना दिया इसका। और इधर कुछ है क्या, एक ड्रॉयर है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, पूरा खाली है। और ये तो किडनैपर का बेडरूम था, और इधर बाथरूम था। और ये देखो इधर क्या हालात है भाई, चारों तरफ बस खून ही खून पड़ा हुआ है। इधर से मेरे को मिरर का एक टुकड़ा मिल चुका है, और इधर लॉकर में कुछ भी नहीं है। और टॉयलेट के अंदर एक वल है मेरे को दिख रहा है, लेकिन मुझे इस पानी को हटाना होगा, कुछ ना कुछ तो मेरे को मिल ही जाएगा। देखता हूँ आसपास घर के अंदर चेक करके देखता हूँ, कोई सामान मेरे को मिलता है जो टॉयलेट के पानी को हटा सके। कुछ है क्या यहाँ पर, इसके रूम में देखता हूँ एक बड़ी, यहाँ पर भी टॉयलेट था, वो देखो मेरे को मिल चुका है। अभी फटाफट से जाके मैं उधर से वल को निकाल लेता हूँ। और ये वल कहाँ पर यूज़ होने वाला है ये तो मेरे को पता ही है, स्टोर रूम में जहाँ पर एलिवेटर है उधर जाके इसको यूज़ करना होगा, कहीं पर कुछ तो होने वाला है। लाइट को बंद करो, जल्दी से जाके देखता हूँ इसका यूज़ कहाँ पर होने वाला है। डोर को भी बंद कर देता हूँ, क्या पता मैं उधर जाऊँ और कोई शोर शराबा हो जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। और यह पर वल लगने वाला है, इसको घुमाओ लेके भागो। शोर हो चुका है भाई, बहुत ज़्यादा शोर हो चुका है, किडनैपर आने वाला है, इसके नीचे मैं छुप जाता हूँ। अभी देखना यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही किडनैपर आएगा उसे लगेगा कि ऊपर पाइप में कुछ लीकेज वगैरह हो चुका है, ख़राब हो चुका है। उसे रिपेयर करने के लिए जैसे टूल बॉक्स ओपन करके जाएगा, मुझे उसी टाइम पे देखो अभी आ चुका है, अभी करके दिखाता हूँ। अभी इसको पता चल गया यार मैंने लाइट ऑन करके रखा था, अभी मेरी वजह से ये लड़की फालतू में मार खाने वाला है। लेकिन एक बार मार खाने से कुछ भी नहीं होने वाला है, चुपके से जाके मैं अपना काम कर लेता हूँ, और ये टूल बॉक्स बंद करके चला जाएगा। इधर से मेरे को एक की मिल चुका है, अभी मेरे को ये चेक करना होगा कि ये की कौन से डोर में यूज़ होने वाला है। एक तो अंदर की डोर है, ये बाहर की डोर है। अभी ये जाएगा उस लड़की को मारने वाला है। देखो टूल बॉक्स को भी बंद कर दिया, और टूल बॉक्स ऐसे ही ओपन नहीं होता है। ओ लाइट को भी ऑफ कर दिया इसने, मैंने लाइट को ऑन करके रखा था ना, पकड़े गए।
अभी इसके ऊपर गैस छोड़ने वाला है और मेरे पास ना शायद से तीन चांस होने वाला है। अगर तीन बार उस लड़की को मार दिया तो वो लड़की शायद से और जिंदा नहीं बच पाएगा। ये किडनैपर तो भाई बहुत ज़्यादा चीख रहा है, इसकी दादागिरी निकालना पड़ेगा। अभी देखता हूँ ये चाबी कहाँ पर यूज़ होने वाला है। इस डोर में एक बार चेक कर लेता हूँ, इस डोर का नहीं है, मतलब ये सामने वाले डोर का ही है। ये तो सही सलामत है। एक सेकंड भाई, ये चीज़ मैंने अभी तक नोटिस नहीं किया था, ये पर देखो नंबर 4 आ रहा है, मतलब मुझे कोई ना कोई तो पासवर्ड छोड़ना होगा और ये पासवर्ड कहाँ पर यूज़ होने वाला है ये भी देखना होगा। सबसे पहले तो देखता हूँ ये चाबी इसी रूम का है या नहीं। हाँ, इसी रूम में यूज़ हो गया। लाइट ऑन करो और देखो यहाँ पर क्या क्या सामान पड़ा हुआ है। एक केटली मिल चुका है, इसमें मेरे को पानी लेके आना होगा और इसके बेड में भी कुछ हो सकता है। यस भाई, मेरे को पता चल गया इस मिरर का आखिर काम क्या था। यहाँ पर एक और लॉकर है लेकिन इसमें पासवर्ड लगने वाला है और मुझे पता है पासवर्ड मेरे को कहाँ से मिलने वाला है। 3 डिजिट का पासवर्ड है। एक बार मैं कलर फिर से देख लेता हूँ, कलर वाइज मेरे को पासवर्ड डालना होगा। पहले जाके ना मैं पानी लेके आता हूँ। और ये चाबी शायद से इसी डोर का है, बिल्कुल सही। लेकिन मेरे को ये भी नोटिस करना होगा, इस रूम के अंदर कोई ना कोई तो पासवर्ड मेरे को मिलने वाला है और ना भी मिल सकता है। पहले जाके मैं पानी को गर्म कर लेता हूँ। डोर को बंद कर दिया और सब कुछ ना मैंने सही करके रखा है, जैसा था वैसा ही करके रखा है। अगर किडनैपर गलती से भी आ जाता है तो उसे कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। अगर उसे कोई भी सामान उल्टा सीधा लगा तो ये पक्का आके मेरे को मार देगा या फिर उस लड़की को मार देगा। और एक सेकंड, यहाँ पर मेरे को शायद से एक और नंबर मिल चुका है, ये 9 है शायद से, बिल्कुल सही लग रहा है मेरे को, 9 ही लग रहा है। हाँ, 4-9 हो चुका है। अभी लास्ट में एक और पासवर्ड चाहिए, 3 डिजिट का पासवर्ड है। इस रूम के अंदर देखता हूँ, इस रूम के अंदर कोई पासवर्ड तो मेरे को नज़र नहीं आ रहा है और इस केज के अंदर तो नंबर 4 था, बट ये लड़की मेरे को बस घूरे जा रहा है। इसके दिमाग में बस एक ही बात चल रहा है, कभी मेरे को ऐसे भगा के ले जाएगा। स्टोर रूम में पासवर्ड हो सकता है क्या, एक बार देखता हूँ मैं। एलिवेटर के साइड में कुछ भी नहीं है, इधर कुछ भी पासवर्ड नहीं है, तो पासवर्ड कहाँ पर हो सकता है। एक बार मैं बाथरूम में जाके ट्राई करूँ। ओके, अभी मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था पासवर्ड ढूंढने की, लेकिन देखो आखिरी वाला पासवर्ड मेरे को उसी किडनैपर के रूम से मिला। तो हमारा पासवर्ड है 459। यस, बिल्कुल सही, 45, अबे 456 दे दिया गलती से, 459। ओके, अभी ये ओपन होना चाहिए, ओपन हो चुका है। इधर से मेरे को एक लीवर मिल चुका है उस एलिवेटर को स्टार्ट करने के लिए या फिर उसे नीचे भेजने के लिए, ऐसा ही कुछ होने वाला है। मैंने एक बार पानी को गर्म करते हुए रख दिया है और अब ये पानी फ्रीज में यूज़ होने वाला है। और ये तो भाई शोर कर रहा है बहुत ज़्यादा, कितने पर आने वाला है भाई, क्या शोर हो रहा है इधर। अबे जल्दी बंद हो जा, इसको मैंने ठीक ही नहीं किया था, अभी मैं पकड़े जाता। अबे डोर बंद हो ना भाई, क्या हो रहा है, लाइट ऑफ करो, जल्दी 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 भाई, अबे डोर बंद हो जा। ये मेरे को देख चुका है, शायद देख चुका है, गया। अरे भाई अभी ये क्या रीस्टार्ट, मेरे को बस एक ही लाइफ मिलने वाला है, ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चलते हैं सीधा फिर से, मैं उसी जगह पे जाके मिलता हूँ। ओके, तो मैं फिर से अभी आ चुका हूँ उसी जगह पे। मैंने फ्रिज खोल के भाई बर्फ़ को पिघला के उसके अंदर से मेरे को एक कैंडल मिला है और ये कैंडल कहाँ पर यूज़ होने वाला है मैं अभी दिखाता हूँ। सबसे पहले तो इसे जलाते ही यहाँ से, जल गया। पहले जाके मेरे को स्पाइडर का भाई जाला बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए मैं मॉप को उठा नहीं पा रहा हूँ। पहले तो जाके एक कैंडल की मदद से उस मकड़ी का जाला को आग लगाना होगा और तभी मैं उस मॉप को उठा पाऊँगा। ये पर मैं आग लगा देता हूँ जल्दी से। चलो, ये पर अपना काम हो चुका है, मॉप मेरे को मिल चुका है। फटाफट से जाके यहाँ पर मुझे ऊपर इसको खोलना होगा और ये नीचे गिर के भाई बहुत ज़्यादा शोर मचा दिया। ऐसे मेरे को एक लॉक भी मिला और ऊपर सामान तो भाई टूटा फूटा पड़ा हुआ है, इसको भी अपनी जगह पे रख देता हूँ। अबे अबे जल्दी हो जा भाई, क्या हो कह रहा है, 4 सेकंड बचा है, मैं मरूंगा अभी, लाइट बंद करो, जल्दी 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 टेबल के नीचे। शायद से मैं सेफ हूँ, इसको कुछ भी पता नहीं चला होगा, नहीं नहीं इसको पता चल गया होगा शायद भाई, मैंने इस रूम के अंदर तोड़ फोड़ किया है, इसको पता नहीं चला अभी तक। मेरे को ऐसा ही कुछ लगा था, इसको पता चलेगा। अभी ये फिर से उस लेडी को मारने वाला है। लड़की भाई मुझे माफ़ कर दे यार, ये मेरी गलती नहीं है, मैंने उसको क्लीन करने की कोशिश की बट उसको क्लीन कैसे करूँ। वैसे देखा जाए तो दिक्कत भाई कोई बात नहीं है, पिछली बार मर गया तो गेम रीस्टार्ट हो गया ना, तो ये लड़की पहली बार मर रहा है। अब ये किडनैपर शायद जा चुका है, मैं बाहर जाता हूँ। भाई सच में कुछ भी बोलो, ये किडनैपर बहुत ज़्यादा स्केरी है भाई, कैसे चीख रहा है इस लड़की के ऊपर। ये लॉकपिक से मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, यस बिल्कुल सही। इधर से क्या मिला मेरे को, क्या है भाई, पाइप, पाइप का टुकड़ा मिला, शायद से ये एलिवेटर में काम आने वाला है। फटाफट से जाता हूँ मैं, इसको ऑन करो भाई, अभी जल्दी ऑन हो जा लाइट। पर ये अपने एलिवेटर को स्टार्ट करने में एक दिक्कत हो सकता है, 24 वोल्टेज का पावर मेरे को देना होगा तब ये एलिवेटर स्टार्ट होने वाला है। और ये 24 वोल्टेज मेरे को देखना होगा अच्छे से। वैसे ये मैं पिछली बार कर चुका हूँ बट अभी मुझे याद नहीं है अच्छे से। चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, अगर इससे बात बन गया तो अच्छी बात है, वरना बहुत टाइम जाने वाला है। चलो इसको बंद करो, एलिवेटर स्टार्ट हो जा भाई प्लीज़।
अरे हो ना भाई, उसको मैंने अच्छे से दबाया नहीं, मेरे को डर लग गया भाई, मेरे को लगा गलत कर दिया मैंने। इसके अंदर से देखते हैं क्या मिलने वाला है मेरे को। कुछ तो आया है भाई, मास्क मिला है मेरे को, और इस लीवर को मैंने सामने सेट कर दिया है, और एलिवेटर को भी मैंने नीचे भेज दिया इसको पता ना चले। और ये तो मैं भूल गया है कैसा था, अभी मैं पकड़े जाऊँगा फिर से भाई। 7 सेकंड बचाए, मैं निकल लेता हूँ भाई, इसको बंद करके निकल देते। लाइट ऑफ, फिर से ये लड़की मार खाने वाला है मेरे ख्याल से, मैंने गलत कर दिया होगा। वैसे अभी ना मुझे इस मास्क का एक और टुकड़ा ढूंढ के निकलना होगा, अभी ये मास्क पूरा तैयार नहीं है। हाँ भाई तू चेक कर ले, अगर कुछ गलती हुआ तो मार दे भाई मेरे को नहीं उस लड़की को मारेगा जाके। और क्या भाई, हीटर ऑफ हो गया, इसका हीटर चालू था, मैंने पावर को भाई गलत तरीके से ऑन कर दिया। पर ये इसके अंदर क्यों गया? ओ इसको हीटर ऑन करना था, अभी जाके इस लड़की को मारेगा भाई, छोड़ दे भाई। शायद से एक और लाइफ बचाए उस लड़की के पास, अगर मैं इसको एस्केप नहीं कर पाया तो ये पक्का गुड नाइट। ओ ये क्या, अबे घोचू क्या कर दिया, मर गया क्या लड़की, कितने पर जा चुका है। अरे भाई उठ जा भाई, नहीं अभी मरा नहीं है, बस एक और लाइफ बचाए शायद से, और मेरा भी ऑलमोस्ट सारा काम खत्म हो चुका है, तो बस एक मिनट वेट कर। अभी देखो एक मिनट के चक्कर में बहुत टाइम चला गया, मेरे को इधर से एक सेफ मिला है बहुत टाइम के बाद, और इसे ओपन करने के लिए ना ही कोई चाबी की जरूरत है ना ही कोई पासवर्ड की, बस ये बार प्रेस करना होगा, लेकिन ये हो नहीं रहा है। प्रेस ओपन में एक बारी कर रहा हूँ, बहुत बार ट्राई कर रहा हूँ मैं, प्रेस करके रखना होगा क्या, बट कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ओपन कैसे होगा भाई। ओके अभी मैंने जैसे तैसे करके इसको ओपन कर लिया, अभी इसको भाई जोड़ दिया मैंने, अभी इस मास्क को मुझे लेके जाना होगा उस लड़की के पास, और उसको दे के आना होगा, प्लान उसको बता देना होगा, सिंपल प्लान है। चलो भाई इसको पहन ले, तो पहले अभी ये बस चुपचाप खड़ा रहे भाई, जब किडनैपर तुझे मारने के लिए आएगा तो उस मास्क को पहन लेना, और तब मेरा प्लान तुझे पता चल जाएगा। डोर को बंद करो, अभी देखो सामने इस टेबल के ऊपर ना एक लॉक है, लेकिन उसमें 8 बजे का अलार्म लगा हुआ है, इसमें जैसे ही 8 बज जाएगा ये किडनैपर उस लड़की को मारने के लिए आएगा, और मैं वही कर रहा हूँ। अभी मैंने इसको सेव कर दिया है, 8 बज गया है, अभी ये फंसने लगा, किडनैपर आएगा इस लड़की को जैसे ही मारने जाएगा, आगे का प्लान मैं अभी दिखाता हूँ, बस 8 सेकंड वेट कर लो। पर ये काम बहुत ज़्यादा रिस्की होने वाला है, अगर मैं कोई भी गलती करता हूँ, छोटा सा भी गलती करता हूँ, ये आखिरी टाइम है, और मुझे फिर से स्टार्टिंग से खेलना होगा अगर मैं पकड़े गया तो। अभी ये आ रहा है भाई, अभी उस लड़की को मार देगा ये जाके, पहले तो इसने लॉक को बंद कर दिया, अभी जा रहा है, अभी देखो उस केज के अंदर जाएगा उस लड़की को मारने के लिए, देखो पासवर्ड से उसे ओपन कर रहा है, और यही टाइम है मेरा उसे जाके बदला लेने का उसको मार के। चलो जल्दी जल्दी, ओ शिट भाई मैंने गलती कर दिया, ये मेरे को बैठ के जाना था यार, चल के गया उसको, अभी मेरे को फिर से स्टार्टिंग से खेलना होगा, कोई बात नहीं भाई, स्किप तो मैं करके रहूँगा, मैं फिर से उसी जगह पे जाता हूँ। ओके तो देखो मैं फिर से अभी उसी जगह पे आ चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं कोई भी गलती नहीं करने वाला, चुपचाप से मैं बैठ के जाऊँगा उधर, अगर मैं गलती से भी खड़ा हो गया तो बहुत ज़्यादा शोर हो जाएगा। अभी इसको तो सबसे पहले मुझे बंद करना होगा, डोर क्लोज, अभी ये केज बंद हो चुका है, अभी इसके अंदर मैं जहरीला गैस छोड़ दूंगा, अभी उस किडनैपर की हालत देखना बस, अभी ना ये बेहोश होकर नीचे गिर जाएगा, लेकिन उससे पहले मेरे को बहुत ही जल्दी एक काम करना होगा, उसके गले में ना की गाड़े उसे चुराना होगा भाई, जल्दी जल्दी उठा ले भाई, इससे जागने से पहले इस डोर को करो बंद, क्लोज, अभी ये बंद हो गया भाई, जाग गया भाई, इतनी जल्दी जाग गया, ये डोर को पीट रहा है, जल्दी 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 भाग, जल्दी भाग भाई, लड़की तो मेरे पीछे आ रहा है ना, जल्दी जाए इसको मैं हटाओ, जल्दी जल्दी ऊपर के दो, और मेरा गेम अभी एस्केप होने वाला है, जल्दी से डोर ओपन करो, ये लड़की तो मेरे आगे भाग गया भाई, ये तो बहुत चला गया। तो फाइनली मैंने इस गेम को एस्केप कर दिया, लेकिन उसके लिए मेरे को 3-4 बार मरना पड़ा। और आज की इस वाली वीडियो के अंदर बस इतना ही, अगर तुम्हें गेम पर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब या शेयर कर देना।